क्योंकि इसमें कुछ महंगा सामान है, ठीक है, महंगा। 2500 फॉलोवर्स है मेरे, आ जाएगा मेरे को। ओए तो गाइस, महंगी बातचीत हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अमेज़न से अपना पैकेज आ गया, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि हैंडल विद केयर वगैरह। लोग सोचोगे 1-1.5 लाख का, ऐसा कुछ नहीं है भाई, इतना भी पैसा नहीं है मेरे पास। इसमें है 30,000 का सामान, और 30,000 का मैंने क्या मंगवाया है अभी खोल के दिखाता हूँ। और भाई अच्छा हुआ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज दिस विल ऑल्सो सर्व एज एन अनबॉक्सिंग वीडियो, जस्ट इन केस इसके अंदर कुछ अलग चीज़ निकल जाती है तो, ठीक है। अभी एड्रेस होने दिख रहा ना मेरा, नहीं ठीक है। ये रहा डब्बा, ये यहाँ से थोड़ा दबा हुआ है, वो यहाँ से खुला हुआ है ये। शिट, ओ माय गॉड। And the stuff is right here. DJI का माइक मंगवाया मैंने, ठीक है। थोड़ी पन्नी वन्नी वाला सीन है इसके ऊपर, कैसे निकालूँ, तमीज़ से निकालने का ही मन है, और मन कर रहा है फाड़ दूँ, क्योंकि फाड़ने से चीज़ें जल्दी हो जाती है ना। एक सेकेंड, पन्नी हट गई है, ठीक है। अबे कैसे खुलेगा, अगर मेरे पापा देख रहे होते ना तो ये बोलते जिम वाले लोगों में दिमाग नहीं होता, कुछ सील तोड़नी पड़ेगी इसकी, तोड़ दी सील गई। और यहाँ पे है मेन डब्बा, इस डब्बे को हम फाड़ेंगे, और इस डब्बे के अंदर है खजाना, ठीक है। ये देखो, ये रहा माइक नंबर 1, ये है माइक नंबर 2, साइड में रखता हूँ, और ये है मेन इसका रिसीवर जो होता है। सो दिस इज़ बेसिकली वायरलेस माइक, और इसमें डुअल चैनल है, जैसे एक मैं पहन सकता हूँ, एक कोई दूसरा बंदा पहन सकता है, और हम दोनों की आवाज़ आएगी, और इस रिसीवर जो है ये फ़ोन या फिर कैमरे में लगेगा। ये भाई ऐसे फिट होगा, ठीक है, तो काफ़ी कन्वीनियंट है ये, और ये वाला दूसरे बंदे के जाएगा। और गाइस द रीज़न दैट आई बॉट दिस इज़ बिकॉज कि अब मैं दूसरे चैनल पे बहुत ज़्यादा यूट्यूब शॉर्ट्स डालता हूँ, तो उसमें ऑडियो वगैरह क्लियर रखने के लिए चाहिए। प्लस मैं ऐसी व्लॉग देख रहा था साकेत गोखले का, तो उसने भी ये पहना हुआ था, तो मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी, व्लॉग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई थिंक आई कैन यूज़ इट, प्लस ऑडियो वगैरह बढ़िया। तो मेरे को ना ऐसे गैजेट्स में कोई कूल लगता है ना, फिर मेरे से कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही मेरा ना ड्रोन लेने का ही मन कर रहा है, बट अभी नहीं ले रहा, बट बता रहा हूँ वो भी मेरे मन में चल रहा है। बट ड्रोन इज़ अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, साला उड़ाओ कभी इधर उधर हो गया, 1,00,000 रुपये आपके गए। भाई अभी इसकी थोड़ी बहुत वीडियोज़ देखूंगा, इसको टेस्ट करते हैं, तो आपको ऑडियो सुनाता हूँ इसकी भी। तो गाइस इतना सारा सामान लाद के मैं निकलता हूँ अपनी फैक्ट्री। ओ भाई टोटल गर्म हो गए, शिट भाई गर्मी बहुत है, बाइक पूरी गर्म हो चुकी है। फैक्ट्री आते ही गेट टू पैकिंग दी ऑर्डर्स, और ये पूरा काम करने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। आई एम ऑलवेज ऑन माई टोज फैक्ट्री आते ही, एंड आई होप आई ऑलवेज स्टे ऑन माई टोज बिकॉज आई वॉन्ट मोर एंड मोर ऑर्डर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो। तो गाइस नाउ आई एम गोना हैव माई लंच, और लंच कहाँ है बे, ये रहा लंच मैं ऑफिस में लेके आता हूँ। पहले मैं घर जाता था अपना लंच करने, एंड उसमें फालतू टाइम वेस्ट होता था, अब से मैं यहीं पर लाना शुरू कर दिया। एंड माय लंच कंटेन्स 1 केला, मैं लाता ही हूँ केला हमेशा, ठीक है। इसमें क्या है, खीरा, मुझे पूरा खीरा पसंद है, लेकिन ये आधा है। जूसी, और इसमें कुछ मस्त होगा। अभी ये तो दाल वाल है कुछ यार, ये मूंग की दाल सी लग रही है। अबे यार एक्साइटेड था तो मैं, भाई मूंग की दाल नहीं पसंद मेरे को यार, मूंग की दाल किसी को भी कैसे पसंद हो सकती है भाई, मेरे को आज तक नहीं समझ आया। तो गाइस आज हमारा डेडलिफ्ट डे है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इन शूज़ में तो नहीं हो पाएगी डेडलिफ्ट, और मैं गलती से पहनाया, बट मैंने अपने घर वालों से ऊपर से बालकनी से फेंकवा दिए अपने डेडलिफ्ट शूज़, जो कि है पिंक पन्नी में, ठीक है। मेरे अपने डेडलिफ्ट शूज़, I'm all set. वेट लगा भाई जल्दी। ओए इस रोड को पूरा का पूरा हलक में घुसा दूंगा। हलक ये तेरा? हलक ये? ये हलक है? हलक हलक इसको कहते हैं। हलक क्या होता है? नया वर्ड है। अबे 6 साल यूएस में पढ़ाऊँ ना, तो ये हिंदी वर्ड आते नहीं है ढंग से। थोड़ा युगांडा स्कूल, युगांडा स्कूल, युगांडा यूएस में, यूएस युगांडा स्कूल। अच्छा यू यू यूएस युगांडा सेम, यूएस से बोलता, यूएसए की बोलूंगी तो है, युगांडा स्टेट ऑफ अमेरिका, युगांडा स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए की बोलूंगी तो है। हाँ चल भाई जल्दी, अरे बुक खाली कर, मजदूर समझ रखा है क्या?
और भाई वर्कआउट के लिए मैं रेडी हूँ। यहाँ पे मेरा मसल ब्लेस का शेकर, इसमें पानी है ठीक है, और इसमें मिलाऊंगा मसल ब्लेस का ऑल न्यू हाइड्रेट भाई। और इसके अंदर ऐसे कैप्सूल्स हैं, आई विल टेक 1 कैप्सूल ठीक है। और भाई इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, 5 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ये कॉन्स्टेंट हाइड्रेशन देता है मुझे वर्कआउट के बीच में। ये देखो 10 सेकंड में पूरा अपने आप मिल गया, मैंने शेकर को हिलाया भी नहीं। तो इसकी बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, गो एंड चेक इट आउट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड मोहित30। आपको पता है गाइस, हमारा दोस्त है प्रियांशु, उसने ना जिम में अपनी रॉड रखी हुई है पर्सनल, खरीदी हुई 18-20 हज़ार की है। तो हमारा दोस्त है तो हम उसकी रॉड यूज़ कर सकते हैं। तो त्यागी के पास वाली रॉड है ठीक है, आप देख सकते हो। इसमें क्या है कि तुझे दिखाने दे नर्लिंग जो है बहुत टाइट है, पकड़ भी रहा हूँ ना तो चुभ रही हाथ में, बहुत ही खतरनाक है। और ये बुलरॉक कंपनी की है शायद ना? हाँ बुलरॉक की है, ये काफ़ी सही ब्रांड है, काफ़ी प्रीमियम इनका ये इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं। तो इसमें करेंगे हम, क्या कि वार्म अप कर रहा है। और ये टी शर्ट मत पहना कर भाई, अभी जिम में 3 लड़के हो रहे हैं, इन्होंने सेम टी शर्ट पहनी हुई है भाई। मैं तो गाँव का लड़का हूँ भाई, पंखे में या बिना पंखे के करता हूँ एक्सरसाइज। क्या कि अलग से AC चलवा रहा है, वो देखो भाई से AC चलवा रहा है, ये देख लो भाई आजकल के नौजवान लड़के AC में वर्कआउट करेंगे। हम भाई अपने ज़माने में मेरे टाइम पर मेरे को याद है जिम में लाइट नहीं थी और भाई मैं पूरे पसीने पसीने वर्कआउट कर रहा था। ये दिन भी देखे हैं भाई, ये इसका मैक्स है 225 मारता था ना तुमने, वार्म था वो नहीं, 225 का मैक्स है, कंपटीशन खेलता है ना बॉडी बिल्डिंग का भी। बॉडी बिल्डिंग का? हाँ भाई तूने ऐसे क्यों पूछा, बॉडी बिल्डिंग का भी हंसते हुए क्यों पूछा तूने? हाँ नहीं खेला अब छोड़ देना, बॉडी वेट लिफ्टिंग में आ गया। चल आ जा भाई, भाई सरूखा है मेरा, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, अपने तरीके से कर। एनी टाइम फिटनेस में ऐसे चौक वगैरह रखते नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि फ्लोर वगैरह गंदा आता, तो हम अपना चौक लेके आए हैं ठीक है। ऐसे मैं लाया नहीं स्पेशली, मेरे बैग में उनको भी मिल गया, तो कैन यूज़ दैट। त्यागी तू कितना मार रहा है? 130 से मार रहा है, 5-5 रेप्स के 3 सेट मारेगा। ये पुराने जमाने के लोग घिस के डालते थे प्लेट, अभी नई मशीन आ गई है ये देखो, ये भी पता नहीं हमारे जिम में पहली आई है ये, और किसी आपको इंडिया वर्ल्ड में नहीं मिलेगी ये। पहले हम 2.5 के प्लेट लगा के करते थे नीचे ऐसे घस घस के डाल, घस 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 हितेश के जैसे ज्यादा ग्लूट्स नहीं, कहीं नहीं मिलेगी। हितेश के जैसे ज्यादा ग्लूट्स आ रहे हैं, हितेश नाम थोड़ी है उसका, हितेश नाम उसका नितेश है, हितेश क्या नाम है भाई? नितेश नाम है, नितेश NN, तू उसको एक हफ्ते से हितेश बोल रहा है भाई, तो क्या हो गया? देश को बोल रहा हूँ, नाम से मतलब होना चाहिए है ना, बस तेरी आगे किसी को मियागी बोले तो कैसा लगेगा भाई? ओ सेंसेई मियागी भाई, तूने मेरा औहदा बढ़ा दिया ये बोल के, मियागी डो कराटे। इसको लगा था मैं ये बोल के इसकी ले लूंगा, पर इसने मेरा औहदा बढ़ा दिया भाई। मियागी पता है कौन है? मिस्टर मियागी सेंसेई का उस्ताद, वो सेंसेई कराटे का उस्ताद थे वो। क्या बोल रहा है उसको समझ भी नहीं आ रहा सही में। ओकिनावा जापान में एक शहर है ओकिनावा ठीक है, ओकिनावा में वो कराटे सिखाते थे पुरोरो के टाइम का। क्यों पका रहा है उसको? पुराने जमाने का, 1980 में वो डेथ कर गए शायद, 80 या 2000 में शायद। वे है मैं सीखा हूँ, कान पकड़ के बोल मिस्टर मियागी, कान पकड़, तू कान पकड़ मिस्टर मियागी, बोल मिस्टर मियागी, मिस्टर मियागी, एग्जैक्टली। हार्ड है ना, क्या लगता है हाथ छिल जाएगा, मजा आ जाएगा फिर उसके ऊपर मोमो से चटनी लगा लियो। गाइस अब हम करेंगे ग्लूट ब्रिज, ये मशीन तो ना वेरी सीरियस नोट किसी भी जिम में नहीं होगी, मतलब दिल्ली में तो मेरे को देखने को नहीं मिलती है। हाँ दिल्ली में हर जिम में घूमा ना तू, काफी जिम से बाहर निकला हूं, काफी जिम से बाहर निकला भाई मैं, याद रखे मेरी बात। अबे गलत लगा रहा है, क्या कर रहा है भाई, इसकी बैठ भाई इसकी बैठ। हाँ वल्लाह बेबी
जो भी लो तीन लो। साहिल खान क्या हाल है आजकल? साहिल खान दिख रहा आजकल मतलब मेरी फीड में नहीं आ रहा। साहिल खान नहीं दिख रहा, साहिल खान के मॉडल्स दिख रहे हैं आजकल। ओए साहिल खान जी बोल। साहिल खान नहीं दिख रहा जी। साहिल खान जी हाँ दिख रहा जी। हाँ मतलब पूरे सेंटेंस में कहीं भी जी बोल सकता है। अब जी को आप आगे ऐड ऑन करना चाहते हो? साहिल खान आप लोगों को ज़्यादा समझता है जी। जी भी समझता है वो। भाई हेटर बहुत होंगे तेरे साहिल, मतलब साहिल खान को लाइक करने वाले बहुत ही होंगे तेरे सब्सक्राइबर्स में। तू भी तो लाइक करता है उसको? हाँ मेरे को पसंद है। पसंद है ना? कौन साहिल लड़के दिखाता है? कौन साहिल खान? साहिल खान के मॉडल्स। मॉडल्स सौरभ कहता है कि पेड मॉडल्स हैं, वो आती हैं सिर्फ वीडियो क्लिप पर चली आती हैं। एक उसकी बिल्कुल मतलब कहते हैं कि उसके लिए ही काम करती है वो मॉडल, उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं देखो उसकी प्रोफाइल भेजूँगा। एक है जो उसकी मैक्सिमम वीडियोज़ में और पोस्ट में आती है। अच्छा समझ गया तू? एक है इंडियन ही। हाँ समझ गया वो वाली। हाँ है ना। हाँ हाँ वो वाली। हाँ वही। हाँ फिर वो है, बाकी सब तो वो बाहर से उठाता है। हाँ अच्छा डीएम करते हैं हम भी, रिप्लाई आएगा? हाँ 25,000 फॉलोवर्स है मेरे, आ जाएगा मेरे को 25 में। ऐसे कॉन्फिडेंस है तो उसके मिलने में उसका क्या कॉन्फिडेंस होगा? होगा कॉन्फिडेंस में 25,000 में। हाँ काफ़ी सही है मेरे। सर हमारी बोलते हुए भाई आज मजाक उड़ा ले मेरा। मैं तो मजाक नहीं उड़ा रहा। ये साले तेरे से लोग ना फॉलोवर से जज करते हैं लोगों को, किसके फॉलोवर अच्छे तो ऊँच जाता है, किसके फॉलोवर तो नीच जाता है। तो है नीच। हाँ तो नीच हूँ तो फॉलोअर की वजह से नहीं ना, वैसे ही नीच हूँ तो। हाँ कह रहा नीच है। तो तेरी जदो तेरी टोर लगे जट नू। गाइस एब्स में मैं बहुत सारी वेरिएशंस करता हूँ, लेकिन वन ऑफ माय फेवरेट्स इज लेग रेजेस, हैंगिंग लेग रेजेस। देखो मैं एक बार करता हूँ थोड़ा राइट टर्न, एक बार करता हूँ लेफ्ट टर्न। गाइस गलत कर रहा है, हमें करना ये कर कुछ और रहा है, आलसी आदमी। मैं दिखा रहा हूँ कि मैं कौन सी करता हूँ। ये दिखा रहा है आलसी आदमी, ये करने वाला हूँ दिखा रहा हूँ। ये करना उस्ताद बनना जरूरी है, अगले बनो मंदिर भाई। अब इसको देखना, मैं भी देखूं भाई क्या एक्सरसाइज करता है। आ जा बोसू बोल कुछ ऐसे। बासू बोल कह रहा, बासू बोल भाई, बोसू बोल। गाइस रिपीट कर लेना, बोसू बोला था मैंने। कह रहा बासू, रिवाइंड सॉरी रिवाइंड कर लेना। बासू नहीं है, हट ना। ये अनुराग बासू बोल, बोसू बोला था, रिवाइंड कर लो। बासू बोला है वो, रिवाइंड कर लो। आप रिवाइंड कर लो, कसौटी मत। इसकी थूथ बंद हो जाएगी अभी। सास भी कभी होती थी उस बात का, कसौटी जिंदगी में आता था। साले ने देखा ये ट्रिक क्वेश्चन था। अगर मैं ऐसे खड़ा जाऊं तो मत कर भाई, मत कर एक्सरसाइज की भी तो मजाक। क्या हो गया? हैवी कर रहा हूं, मत कर। वो पीआर है, पीआर है, मत कर। वो भी है, पीआर है, पीआर है।